महाशिवरात्रि पर लगा शिव भक्तों का तांता। कैलाश मंदिर पर शिव भक्त एवं कांवरियों की अभूतपूर्व भीड़ दिखी। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ शिव भक्तों की सुरक्षा में लगा रहा। प्रशासन के मुस्तैदी की वजह से स्थिति नियंत्रण में रही। मंदिर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एटा शहर में स्थित इस मंदिर का निर्माण संवत 1924 में राजा तिलसुख राय बहादुर ने करवाया था। मंदिर निर्माण के साथ ही इसके आसपास के पूरे क्षेत्र का नामकरण भी कैलाश गंज हो गया है। धरातल से इस मंदिर की चोटी तक की ऊंचाई करीब 200 फुट है, जबकि शिवजी की चतुर्मुखी मूर्ति धरातल से लगभग 125 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जमीन से लेकर मूर्ति तक का पूरा आधार ठोस है। धरातल से शिवजी की चतुर्मुखी मूर्ति तक के गर्भ स्थल में किसी प्रकार का खोखलापन नहीं है। इस ठोस गर्भ पर ही दीप के आकार में शिवजी के चारों दिशाओं में उभरे मुखों की सफेद पत्थर से निर्मित मूर्ति रखी गई है। मूर्ति के समीप ही सफेद पत्थर से ही निर्मित नंदी की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मूर्ति के दो विपरीत दिशाओं उत्तर व दक्षिण में क्रमशः गणेश व मां पार्वती की सफेद पत्थर से ही निर्मित आदमकद मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर की छत पर अजंता व अलोरा की तरह ही शानदार भित्ति चित्रों को उकेरा गया है, जिन्हें देखते ही श्रद्धालु खो जाते हैं। मंदिर के अंदर 5 मंजिलों में अर्थात चतुर्मुखी मूर्ति की ऊंचाई तक 16 कमरे हैं। इसके अलावा मंदिर के धरातल के प्रांगण में एक और काफी विशाल सरोवर है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। सरोवर उपेक्षा के कारण खराब हालत में है। मंदिर के एक और बाग के लिए विशाल स्थान है, जो कि उपेक्षा का शिकार है। 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में ऊपर चढ़ने के लिए श्रद्धालुओं को 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां 70 फुट की ऊंचाई के बाद 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। सबसे बाईं ओर की सीढ़ियां मंदिर में ऊपर जाने के लिए व दाईं की ओर सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए हैं, जबकि बीच में विश्राम स्थल बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल चढ़ते वक्त थक जाने वाले यात्री करते हैं। शिवरात्रि और सावन में लगता है मेला। फागुन माह में शिवरात्रि महापर्व और श्रावण मास के दौरान मंदिर में मेले लगते हैं। इन पर्वों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सावन के पूरे माह में पड़ने वाले सोमवार को भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि के दौरान भक्तजन कांवरों में गंगा जल भरकर कोसों की लंबी यात्रा पद यात्रा करके कैलाश मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक कर मनौती मांगते हैं। मंदिर के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें। किवंदती के अनुसार कैलाश मंदिर के नीचे एक सुरंग है, जो कासगंज तक खुदी है। सुरंग का द्वार मंदिर के ठीक नीचे है, लेकिन सुरंग का द्वार सालों से बंद है, जिसके कारण किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है कि सुरंग कहां तक जाती है। भारत में कहीं भी नहीं है ऐसी शिवजी की चतुर्मुखी मूर्ति। 125 फुट के ठोस गर्भ स्थल पर स्थित है अद्भुत प्रतिमा। पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं है इतना ऊंचा शिवजी का मंदिर। धरातल से 200 फुट ऊंचा है कैलाश मंदिर। एटा से भूपेंद्र सिंह सोनी की खास रिपोर्ट। आपका नाम? रेनू यादव। रेनू जी, आप कैलाश मंदिर पर आए, दर्शन किए, क्या मनोकामना? मैं मंदिर पर बहुत बार आती हूँ, मतलब एटा में ही रहती हूँ तो आती रहती हूँ काफ़ी बार, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मनोकामना वहाँ पूरी होती है जो भी मांगो, और भीड़ भी काफ़ी होती है। यहाँ पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है और सब कुछ, मतलब सब लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं आराम से, और लाइन लगा के सब ठीक से दर्शन कर पा रहे हैं। हाँ, कर दिए। यहाँ कब से आ रहे हैं आप? मैं आ रही हूँ बहुत दिनों से, 10 साल हो गए कम से कम। कोई समस्या यहाँ तक पहुँचने में? कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब भी आप दर्शन करने, बहुत अच्छा लगता है। भीड़ में हो गए कम से कम 2-3 घंटे हो गए, बट अच्छा लगता है। कहाँ से आए हो? यहीं से आई हूँ, गंगानगर से। आपका नाम? अमर सिंह यादव। अमर सिंह जी, आप यहाँ कैलाश मंदिर में शिवजी के शिवलिंग के दर्शन करने आप आए हैं जी? कितने समय से आप यहाँ खड़े हुए हैं? कितना टाइम हो गया आपको? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? कहाँ से आए आप? मैं यहीं नेहरू नगर से आया हूँ। यहाँ तक क्या समस्या, कोई समस्या हुई आपको? कोई समस्या नहीं, अब भीड़ तो होती हो ही जाती है। सिर्फ तेरह से है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ।
क्या क्या मनोकामना को लेकर आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं? मैं उधर से कर आए, फिर भी कोई तो मनोकामना होगी? कोई मनोकामना नहीं, बंसीवाल का सब कुछ है हमारे पास। नहीं, फिर भी तो कोई मनोकामना मन में कोई छक्कल कोई ना, कोई मनोकामना नहीं है, हो गई जी, सब कुछ है। एमआरएफ की एजेंसी है अपनी स्टेडियम के सामने, यहाँ पुलिस की तरफ से कोई व्यवस्था भी, कोई कोई कमी नहीं है। मैं पुलिस विभाग में ही रहा हूँ पहले, सभी सेक्टर से टायर हूँ।